हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आपको पता ही है इतना इस बारी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, समर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए मैं आपके लिए समर कूलर्स की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको दो समर कूलर्स बताऊंगी जो बहुत ही रिफ्रेशिंग हेल्दी हैं। तो आइए, मैं सबसे पहले पहला मैं आपको बताती हूँ, मैं बनाऊंगी ग्रेप्स से समर कूलर। ये देखिए, मैंने एक बड़ा बाउल लिया हुआ है, वाइट ग्रेप्स काट के रखी हुए छोटे छोटे, धो के साफ करके इसको आप मैं डाल दूंगी मिक्सर ग्राइंडर में। उसके बाद इसमें मैंने डालना है ये काला नमक, इसको डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे हम इसमें, और थोड़ा सा देखिए हम शुगर डालेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ग्रेप्स कभी कभी बहुत मीठा होता है, कभी खट्टा होता है, तो हम इसीलिए बता रही हूँ कि मैंने यहाँ नींबू का जूस भी लिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, अगर ये अंगूर काफ़ी खट्टे हैं तो शुगर आप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, और अगर ज़्यादा खट्टे हैं तो आप देख लीजिएगा चीनी ज़्यादा, नहीं तो मीठे हैं तो आप ये लेमन थोड़ा सा डाल दीजिएगा ज़्यादा। तो मेरा बिल्कुल ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ इसमें, और उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी भुना हुआ, देखिए ज़ीरा डालूँगी, भुना हुआ ज़ीरा डालूँगी, और इसके साथ इसमें डालूँगी ये देखिए थोड़ी सी 1/4 स्पून ये ब्लैक पेपर डाली है, 1/4 स्पून ये मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है इसमें, और इसके अलावा ब्लैक सॉल्ट तो डाला ही था हमने, तो थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डालेंगे इसमें, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ये पानी डालेंगे अंदाजे से, कि जिसको देखिए ये बस ये इसके ऊपर तक आ जाए पानी, थोड़ा सा डालना है क्योंकि बाद में हम इसमें सोडा डालेंगे। ये देखिए, अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा अच्छे से बेस तैयार हो गया है इसका, समर कूलर का। अब देखिए ये हो गया, अब हमने इसको सर्व करना है, तो पर इसके लिए थोड़ा सा हमें ग्लास को भी डेकोरेट करना है, तो हम ये ग्लास लेंगे। देखिए, एक प्लेट में हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे थोड़ा सा, और दूसरे प्लेट में हम थोड़ा सा देखिए ये जैसे चाट मसाला है, थोड़ी सी शुगर लेंगे, थोड़ा सा काला नमक लेंगे, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये मिक्स हो गया, अब इसके बाद हम ग्लास को ये देखिए हल्का सा कि ऊपर लग जाए ग्लास में, और उसके बाद इसको ये फैला के ये देखिए ये देखिए हमारा ये लग गया है अच्छे से। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हमने करना क्या है, ये जो कूलर है आप इसको अगर आप स्ट्रेन करना चाहते हैं, मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेन करना तो आप स्ट्रेन भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि इसमें फाइबर्स वगैरह भी आ जाते हैं। बस आपको हाफ ग्लास डालना है इसका, उसके बाद हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब, ये डल गई, आज बहुत सारी आइस क्यूब डाली है आपने, जितना ठंडा पीना है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें देखिए सोडा, ये अब हमारा हमारा ड्रिंक तैयार हो गया है। अब इसमें हम इसको करेंगे डेकोरेट करेंगे, देखिए अब हमारा ये ड्रिंक तैयार हो गया, थोड़ा सा इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनती है, बहुत ही आप इतनी इस गर्मियों में आए और फटाफट इंस्टेंट बनती है। अभी तो ग्रेप्स आ रहे हैं बहुत अच्छे, तो आप इसको ट्राई करिए और बनाइए। ये देखिए हमारा ये देखिए, अब इसको हम देखिए हम इसको डेकोरेट कर देते हैं, हम इसमें ले चाहें तो हम इसमें लेमन लगा देंगे, और एक और इसके बाद इसमें हम मिंट एक लीफ से ये देखिए डेकोरेट कर देंगे। हमारी एक समर कूलर तैयार हो गया है ये ग्रेप से, आप ये बनाइए ट्राई करिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी होता है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इसमें सोडा आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बाकी सॉल्ट और शुगर का तो मैंने आपको बता दिया, और लेमन का भी, कि लेमन अगर अंगूर बहुत मीठे हैं तो नींबू डालना है आपको, जितना आप देख लीजिएगा टेस्ट के हिसाब से, और खट्टे हैं तो थोड़ी शुगर डालिएगा। चलिए मैं दूसरा आपको समर कूलर बता देती हूँ। चलिए अब हम दूसरा समर कूलर बनाते हैं, ये मैं बना रही हूँ क्यूकम्बर कूलर। तो इसमें मैंने देखिए एक मीडियम साइज़ का खीरा महीन काटा हुआ है, इसको हम डालेंगे।
इसमें एक टुकड़ा अदरक का डालेंगे। बाकी देख लीजिएगा क्वांटिटी के हिसाब से, मैंने काटा ज़्यादा हुआ था, मैं यूज़ एक छोटा ही डाल रही हूँ। और इसमें डालेंगे देखिए काला नमक डालेंगे इसमें, और ये देखिए थोड़ा सा इसमें लेमन ज़्यादा डालेगा, अराउंड देखिए एक स्पून दो स्पून, अराउंड टू स्पून मैंने इसमें डाला है लेमन का। और देखिए मिंट लीव्स, फ्रेश मिंट लीव डाल दीजिएगा, 5-6-7 अराउंड जितना है, क्योंकि उसकी का फ्लेवर आना है इसमें। और थोड़ा सा मैं ये डालूँगी, ज़रा सा चाट मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, और इसमें 1/4 स्पून ब्लैक पेपर डलेगी, और 1/4 स्पून ये भुना हुआ जीरा जरेगा। इसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंडर में कर लेते हैं इसको भी। ये देखिए हमारा ये अच्छे से कर लिया ग्राइंड। अगर आप इसको स्ट्रेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है, मैं कहूँगी कि ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि फाइबर्स होते हैं और डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो अब हमारा देखिए ये हो गया है, मैं तो स्ट्रेन नहीं कर रही, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब डालेंगे, देखिए मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। कूलर डालेंगे इसमें, ये जो हमने करा हुआ था क्यूकम्बर, और उसके बाद थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। देखिए अब हमारा तैयार हो गया है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और देखिए हमारा थोड़ा मिल्क से इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। ये हमारा क्यूकम्बर कूलर तैयार हो गया, अब हम दोनों कूलर्स को सर्व कर देते हैं। ये देखिए हमारे दोनों कूलर्स तैयार हो गए हैं, इसमें हमने बहुत ही विटामिन सी यूज़ किया है एज नींबू के रूप में। तो आपको पता है विटामिन सी हमारी स्किन के इन्फेक्शन का बहुत ही ध्यान रखना है, समर सीज़न के टाइम पे जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उससे हमारा ध्यान रखता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। और जो हमने ब्लैक सॉल्ट एंड मिंट यूज़ किए हैं वो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो और सबसे पहले ये सनस्ट्रोक से भी आपको बचाता है। और हमने जो क्यूकम्बर इसमें यूज़ किया है तो वो हमें हाइड्रेट रखता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन से भी हमारे बचाता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ हुई हैं जो हमारे को इस समर सीज़न में बहुत ही हेल्प करती हैं, और इसलिए आप ये बनाइए, ट्राई करिए और देखिए कैसे लगे आपको, और बताइए। अगर मेरे वीडियोस भी आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।